इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. लिखो मेरे साथ, लेट्स स्टार्ट. दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फ्रॉम स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ओलंपियाड्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ AP. लेट्स राइट. Properties of AP. ठीक है, so let's write the first property. कुछ arithmetic progression की properties होती है तो हम उसको study करने वाले हैं. तो सबसे पहली property, if a constant is added or subtracted, if constant is added or subtracted from each term of an AP, then resulting sequence is an AP. मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक कॉन्स्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट की जाती है, इफ अ कॉन्स्टेंट टर्म इज एडेड या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन AP, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP विथ सेम कॉमन डिफरेंस. मतलब अगर एक आपके पास AP है ऑलरेडी 1, देन देयर इज 5, देन देयर इज 9, then there's 13, then there's 17, और ये चलता हो जा रहा है. ऑलरेडी एक AP है मेरे पास, अब मैं क्या कर रहा हूँ, I'm subtracting, let's say, 2 from each term. इसकी वजह से क्या होगा, ये होगा माइनस 1, ये हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 15. तो हुआ क्या, सेम AP है, ठीक है ना, जिसका कॉमन डिफरेंस 4 ही है अभी भी. हुआ क्या, शिफ्ट हो गई AP, है ना, दो टर्म्स आगे, दो वैल्यूज आगे शिफ्ट हो गई है. तो सारी की सारी टर्म्स में सिर्फ टर्म्स दो दो यूनिट सारी शिफ्ट हो गई, लेकिन बची तो AP ही. ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकेंड, इफ ईच टर्म ऑफ द AP इज मल्टीप्लाइड, इफ ईच टर्म ऑफ एन AP इज मल्टीप्लाइड or divided by a constant, then, मतलब अगर हर एक टर्म AP का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा है किसी कॉन्स्टेंट के साथ, तो जो रिजल्टिंग आपके पास सीक्वेंस बनेगी वो भी एक AP ही बनेगी, लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस भी उसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाइड या डिवाइड किया जाएगा. सो ईच टर्म ऑफ एन AP इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट, then the resulting sequence is also an AP, ठीक है, with, देखो each term of an AP, अब ये AP का common difference मान लेते हैं हम D है, is multiplied or divided by a constant K, मान लो K से multiply divide किया, then the resulting sequence is also an AP with कॉमन डिफरेंस के डी और डी बाई के. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऊपर वाला ही हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 159, देखो 1, 5, 9, 13 एंड इट गोज ऑन. अब हुआ क्या, हमने लेट से हर एक टर्म को डिवाइड किया 5 से, वी हैव डिवाइडेड एवरी टर्म बाई 5, 1/5, 1, 9/5, 13/5. अगर ऑब्जर्व करो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना था, 4 था, कॉमन डिफरेंस 4 था. अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो आप, 1 - 1/5, 4/5, 9/5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13/5, अगेन 4/5. इज इट क्लियर? सो इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपके पास बनेगा वो भी एक AP होगा. फर्क सिर्फ इतना होगा कि अभी उसका कॉमन डिफरेंस भी उसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाइड या डिवाइड हो चुका है, जिससे हर एक टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड हुई है. इसका कॉमन डिफरेंस 4/5 है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर. यस. नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. चलो देखो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है. थर्ड बहुत एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है. देखो फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी होता है,
फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी होता है, ऐसे चलते हुए गए। सेकेंड लास्ट टर्म ए एन माइनस टू डी, एनथ टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। अब अगर थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, तो लिखा हुआ है ए प्लस एन डी माइनस डी, ये लिखा है ए प्लस एन डी माइनस टू डी, है ना। अब अगर आपने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज का डेरिवेशन देखा आपने, तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर मैं फर्स्ट टर्म को लास्ट से ऐड करता हूँ तो क्या बचता है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसको और इसको ऐड करता हूँ तो क्या बचता है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी अगेन, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, टी वन प्लस टी एन, ये बराबर होता है टी टू प्लस टी एन माइनस वन, ये बराबर होता है टी थ्री प्लस टी एन माइनस टू, इट गोज ऑन। और ये किसके बराबर होता है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। मतलब हम यहाँ से क्या बोलना चाह रहे हैं, सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल, टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन एपी इज इक्वल फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। Is constant and equal. वो constant होता है और वो equal होता है. Is it clear? समझ आ गया आपको? तो generally आप लिख सकते हो ए के प्लस जैसे टी के, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो लेट्स से टी के प्लस, अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो एन प्लस वन हो रहा है सम, सबस्क्रिप्ट का सम एन प्लस वन हो रहा है, तो टी के प्लस वन, या ऐसा बोलो आप, एक सेकेंड ये देखो टी के, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एन माइनस ऑफ के प्लस वन, ये चीज क्लियर है। हाँ सर, यस सर। जैसे बेटा इसमें आप क्या कर लो ना, के की वैल्यू अलग अलग पुट करके देखो आप, ये देखो ये वन था तो एन माइनस वन प्लस वन। अब ये दूसरा एक्सप्रेशन देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सप्रेशन, एक सेकंड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये वन है तो इसमें से वन घटाया और ऐड कर दिया, ये टू है तो टू घटाया और वन ऐड कर दिया, थ्री है तो थ्री घटाया और वन ऐड कर दिया, समझ आ रहा है, के है तो के घटाया और वन ऐड कर दिया, इज इट क्लियर। ये लिखना पड़ेगा आपको लैंग्वेज में, वरना आपको याद नहीं रहेगा, आपको यही लिखना है, तीन घटाया और ऐड कर दिया, ठीक है ना, हमेशा वन ऐड कर रहे हैं, तीन घटा रहे हैं वन ऐड कर रहे हैं, चार घटा रहे हैं वन ऐड कर रहे हैं, पांच घटा रहे हैं वन ऐड कर रहे हैं, सही है ना सर। हाँ बेटा सर, एपी का लास्ट टर्म तो ए प्लस एन डी होता है ना? नहीं, एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या है बेटा, ठीक है ना, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है लास्ट टर्म, ठीक है, ओके। चलो अब आ जाते हैं फोर्थ में, लेट्स टेक फोर्थ नोट, ओके। अब ये हो गया आपका दूसरा, ओके। अब देखो, चलो तीन टर्म्स अगर एपी में है, ए बी सी, तो अगर तीन टर्म्स आपकी एपी में है तो आप क्या बोलते हो पता है, व्हाट यू से, यू से दैट 2b is equal to a plus c, ये आप बोलते हो। Similarly, अगर a, b, c और d ap में है, if this is an ap, if this was an ap, then you would have said this. If this is an ap, तो क्या बोलोगे? अभी आपने देखा ये और ये a plus d किसके बराबर होगा? b plus c के बराबर होगा। Is it clear? क्या समझ आ रहा है आपको? Yes, अभी sir. आपने देखा ना फर्स्ट और लास्ट का सम, फर्स्ट और लास्ट का सम सेकेंड और थर्ड के बराबर होगा। इसको प्रूव करने का एक और तरीका है बेटा, b माइनस ए जो है वो d माइनस सी के बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो बोल सकते हैं यहाँ पे देखो, आप इसको ले जाओ d, a को यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा a प्लस डी,
इज इक्वल टू बी प्लस सी, बस नंबर्स के साथ खेल रहे हैं। समझ आ गया आपको? इज इट क्लियर? या आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ जो अभी ऊपर ऊपर मैं आपको ताज़ा ताज़ा पढ़ा के आऊँ, फर्स्ट और लास्ट से जो सम होता है, बिगिनिंग ऑफ द टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, ठीक है ना, फ्रॉम द स्टार्ट एंड फ्रॉम द एंड, उनका सम हमेशा फिक्स होता है। अच्छा तो सर फिर यहाँ से हम एक और चीज़ सीखने मिल गई, क्या सीखने मिली? देखो अगर पांच टर्म्स है ए बी सी डी और ई, इफ आई से दैट दीज आर इन एपी, तो ए प्लस ई किसके बराबर होगा? बी प्लस डी के बराबर होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ सर, यस सर, है ना। और क्या मैं ये बोल सकता हूँ दिस वुड बी इक्वल टू टू टाइम्स सी? यस सर, यस सर, यस सर। सर ये कैसे बोला आपने? देखो बेटा इन तीनों के ऊपर अगर आप एपी का लगाते हो तो हम बोल सकते हैं बी प्लस डी इज इक्वल टू टू सी, वो ये लिखा है। क्या समझ आ रहा है आपको? कंफ्यूजिंग तो नहीं है? नहीं सर, सबको क्लियर है, सबको समझ आ रहा है? हाँ सर, यस सर, नवदा ठीक है ना। चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट। तो इधर से देखो कुछ और हम रिजल्ट निकालने वाले हैं। क्या रिजल्ट हम निकालने वाले हैं बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मैंने क्या बोल दिया, ए प्लस ई बाई टू इज इक्वल टू बी प्लस डी बाई टू इज इक्वल टू सी, और कैन आई से दैट नाउ दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। क्या बोल सकता हूँ ये वैल्यू किसके बराबर होगी? बाई फोर, इसके बराबर होगी फोर सी। हाँ कैसे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना आप। मैंने बोल दिया ए और ई का सम है ना के बराबर है, कांस्टेंट के मान लो, बी और डी का सम टू के बराबर है, लेट्स से सी जो है मेरा के बराबर है। देखो इसको ऐसे समझो आप, मान लो है ना, मान लो सी जो है वो किसी के कांस्टेंट के बराबर है, यहाँ पे सी जो है दैट इज सम कांस्टेंट के, तो मैं बोल सकता हूँ बी प्लस डी कितना हो जाएगा, टू टाइम्स दैट कांस्टेंट के। क्या मैं बोल सकता हूँ ए प्लस ई कितना हो जाएगा, टू टाइम्स दैट कांस्टेंट के। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर के बाई फोर के हो जाएगी। यस और नो? यस सर। सिमिलरली ये और किसके बराबर होती है पता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाय फाइव। एग्रीड? यस सर। इसके फाइव के बाय फाइव कर दिया ना, ये हो गया। मतलब इससे हमें क्या सीखने मिला, इससे हमें ये सीखने मिला है, इससे हमें ये सीखने मिला है सी होता है के जितने भी एपी के टर्म्स है अगर आपने कॉरस्पॉन्डिंग फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट लिया है तो उनका मीन हमेशा कांस्टेंट है, उनका मीन हमेशा कांस्टेंट है। इसको हम नोट की तरह लिखेंगे, लेट्स राइट नोट, मीन ऑफ द टर्म्स टेकन फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड of an AP, mean of the terms taken from the beginning and end of an AP are constant and equal to the middlemost term. Yeah, median of the AP बोल दो आप। क्यों, अगर दो middlemost term होंगे तो mean लेना पड़ेगा ना फिर से। Is it clear? मतलब अभी इसको जनरल वे में मैं लिख रहा हूँ, देखो कैसे, अगर मैं बोलता हूँ A1, A2, A3 goes on till An-2, An-1 और An है, ये n terms एक AP की दी हुई है आपके पास, तो A1 plus An by 2, ठीक है ना, first और last का जो mean होगा वो बिल्कुल बराबर होगा इसके बराबर। देखो अगर आपने A1 ले लिया फिर आपने मान लो A2 ले लिया तो A1 के corresponding आपको definitely An लेना पड़ेगा और A2 के corresponding definitely An-1 लेना पड़ेगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा,
बाय फोर कर देंगे तो मीन ऑफ फोर नंबर्स हो गया। यस बेटा जैसे यहाँ पे करा हमने, देखो फर्स्ट लिया तो लास्ट लेना पड़ा, सेकंड लिया तो सेकंड लास्ट लेना पड़ा, ठीक है। सिमिलरली ये देखो पैटर्न हमेशा फॉलो होता है, अगर आपने kth लिया तो n माइनस k प्लस वन लेना पड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है सर, मतलब क्या हो रहा है, मतलब मान लो आपने कभी a1 लिया तो बिना देख के आपको an तो लेना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। फिर आपने मान लो a7 लिया, तो अगर आपने a7 लिया तो an माइनस 7 लेना पड़ेगा ना, 7 सर 6 होगा ना, माइनस 6 लेना पड़ेगा, तो इसे an माइनस 6 है ना। यस a1 लिया तो an लेना पड़ेगा, a7 लिया तो a6 लेना पड़ेगा, सच दैट द सबस्क्रिप्ट इज कॉमन n प्लस 1। जो सबस्क्रिप्ट है उसका सम n प्लस 1 है, सबस्क्रिप्ट का सम कितना है, एंड दिस इज बाय 4। सिमिलरली कोई अगर बोलता है मैं 8 टर्म लूंगा तो आप 8 भी ले सकते हो, ए वन प्लस ए एन, और ये बराबर होता है लेट्स से ए 3 लिया फिर ए एन माइनस 2 ले लिया, फिर किसी ने ए 7 ले लिया ए एन माइनस 6 ले लिया, फिर किसी ने ए 12 ले लिया तो ए एन माइनस 11 ले लिया, डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, डिवाइड बाई 8, ठीक है ना। तो ये जितने भी आप कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट और लास्ट से टर्म लोगे ये सारे के सारे इक्वल होते हैं, है ना। देखो अभी आप ऊपर लिख के आए हो ये चीज, दिस इज ऑल इक्वल, तो मान लेते हैं कोई वैल्यू के बराबर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये और ये कितना होगा, एक के होगा ये और ये एक और के होगा, ये और ये एक और के होगा, ये और ये एक और के होगा, ये कितना हो जाएगा k बाई 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा अगेन k बाई 2, ये कितना हो जाएगा अगेन k प्लस k 2k बाई 4, ये भी k बाई 2 ही होगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यस सर। यस नोट कर लो इसको, पहले ही हेडिंग में आप लिख लेना, सबसे ऊपर मैंने लिखवाया आपको दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एपी इज नॉट फ्रॉम स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, नॉट फ्रॉम स्कूल, मतलब बोर्ड के लिए हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारे कॉन्सेप्ट को ओलंपियाड में कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ कॉन्सेप्ट, लेट्स टेक डाउन फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो मैं आपको ऑलरेडी बता, लिखने दो सर, लिखना लिख लो उसको। So, can you explain again? I just got disconnected. Yes, now देखो हमने क्या बोला, जैसे मैं ऊपर बोल के है ना कि 1n है, 2n minus 1 है, 3n minus 2 है, तो इसको हमने मान लिया कोई constant k के बराबर है, ठीक है। तो हम बोलना चाह रहे हैं अगर आप beginning और end से corresponding terms ले रहे हो उनका mean हमेशा बराबर ही आता है, तो हमने क्या किया first और last लिया तो ये value किसके बराबर आ जाएगी, k by 2 के बराबर आ जाएगी ना, आपने k लिया था। सिमिलरली मैंने बोला अब मैं क्या करता हूँ, चार टर्म लेता हूँ, a1 लिया तो an लेना पड़ेगा, a2 लिया तो an माइनस 1 लेना पड़ेगा। अब a1 और an का सम किसके बराबर है पता है आपको, k के बराबर है, ऊपर आप अभी अज्यूम करके आए हो, और a2 और an माइनस 1 का सम भी k के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 2k by 4 which is again k by 2। चार टर्म कॉरस्पॉन्डिंग लिए तो बाई 4 करना पड़ेगा, दो पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग लिए तो बाई 2 करना पड़ेगा, इसी तरीके से मान लो 8 टर्म कॉरस्पॉन्डिंग लिए, अब 8 कौन से लिए, a1 an, a3 an माइनस 2, a7 an माइनस 6 और a12 an माइनस 11। So this 8 corresponding terms by 8, this will also give you k by 2. ये k by 2 कैसे आया पता चला, first का 2 का sum k, next 2 का sum k, next 2 का sum k और next 2 sum का k. तो 4k by 8 again is k by 2. Yes sir. इसको note कर लो बेटा, screen को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, पूरा note कर लो आप इसको, 4. यस तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया।
फिफ्थ पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी इज अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एन, लिख लो, एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज अ क्वाड्रेटिक इन एन विद नो कांस्टेंट टर्म, ठीक है? तो फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट यही आपको लिखना है. फिफ्थ पॉइंट आप क्या लिखोगे, nth टर्म ऑफ एन एपी इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन एन. कैसे बताया था, टी एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी, हो जाएगा एन डी प्लस ए माइनस डी, ठीक है? तो आप बोल सकते हो इट इज ए एन प्लस बी. सो nth टर्म इज अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एन वेयर कॉमन डिफरेंस कैन बी आइडेंटिफाइड विद द कोएफिशिएंट ऑफ एन. कॉमन डिफरेंस आप एन के कोएफिशिएंट से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और बी जो होगा वो फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा. सिमिलरली सिक्स्थ पॉइंट आप लिख लो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज अ क्वाड्रेटिक इन एन विथ नो कॉन्स्टेंट टर्म. नो कॉन्स्टेंट टर्म मतलब एस एन होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हो जाएगा ए एन प्लस एन स्क्वायर बाई टू डी माइनस एन डी बाई टू, तो ये हो जाएगा डी बाई टू इंटू एन स्क्वायर प्लस एन ए माइनस डी बाई टू. तो आप बोल सकते हो दिस इज ए एन स्क्वायर प्लस बी एन. सो एस एन इज अ क्वाड्रेटिक इन एन विथ नो कॉन्स्टेंट टर्म. इसका कॉन्स्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है एंड द कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर बाई टू, सॉरी इंटू टू, नॉट बाई टू, इंटू टू आ जाएगा, ठीक है ना? क्यों? टू टाइम्स करेंगे तब जाके आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना? दैट इज टू टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ, टू टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है? एन स्क्वायर डी बाई टू होता है. अच्छा, ठीक है ना? तो ये आपके पास एक नोट और आ गई. नेक्स्ट सेवेंथ जो नोट हम लिखने वाले हैं बेटा, ये बहुत मदद करती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना? और ये मैं बोल सकता हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होती है, ठीक है? जैसे एस वन क्या होता है, सम ऑफ वन टर्म, कैन आई से दैट इज नथिंग बट टी वन. Sum of one term is nothing but the first term. What is sum of two terms? T1 plus T2. So I can definitely say that S2 would be T2. Sorry. I can definitely say S2 minus S1 would be T2. तो अगर आपको second term AP का निकालना है तो आपको sum of two terms minus previous वाले terms को minus करना पड़ेगा sum को. इसी तरीके से अगर मुझे S3 पता है वो होता है T1 plus T2 plus T3. तो अगर आपको कोई बोलता है T3 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, S3 minus S2 के बराबर हो जाएगा. तो अगर nth टर्म मुझे निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ that is Sn minus Sn minus. Is it clear? Nth टर्म ऑफ एन AP is also Sn minus Sn minus 1. मतलब अगर कोई बोलता है fifth टर्म AP का निकालो तो sum of i terms पता होना चाहिए और सम ऑफ फोर टर्म्स पता होना चाहिए, तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हैं कि ये हमारा फिफ्थ टर्म हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए ही, ठीक है? यस सर. तो आई थिंक सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस हो गई. नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन. सर एक मिनट, एक मिनट. यस बेटा, लिखना है. चलें आप आगे चल सकते हैं. देखो एक क्वेश्चन मैं प्रॉपर्टी के बेसिस पे बता देता हूँ आपको. दिस इज ऑल्सो नॉट एट ऑल फ्रॉम स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ओलंपियाड्स में इस तरीके के क्वेश्चन ऑप्शंस में दिखते हैं. जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ए बी सी
r in ap, if abc are in ap, then prove that 1 upon under root of b plus under root of c, next 1 upon under root of c plus under root of a, next 1 upon under root of a plus under root of b is also in AP. आपको प्रूव करना है कि ए बी सी अगर ए पी में है तो 1 बाई रूट बी प्लस रूट सी, रूट सी प्लस रूट ए और रूट ए प्लस रूट बी भी ए पी में ही होंगे. चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. हो गया, देखो कैसे करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड, आ जाओ. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले हैं. और प्रॉपर्टीज को किस तरीके से यूज करेंगे बहुत ध्यान से देखना. तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले अगर मुझे पता है, देखो इसमें दो तरीके से आप जा सकते हो. या तो आपको प्रूव करना है क्वेश्चन, तो आपको दे दिया है कि एपी में है, ठीक है ना, इट्स बीन गिवन टू यू दैट इट इज इन एपी, तो आप उसको एपी लेके कंसिडर करो और आप प्रूव कर दो, ठीक है ना. यू स्टार्ट दैट दिस इज एन एपी एंड प्रूव दैट दिस इज एन एपी, ठीक है ना. आप लेके शुरू करो कि 1 बाई रूट ऑफ बी प्लस सी, 1 बाई रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ ए और 1 बाई रूट ए प्लस रूट बी, ये एपी में है. और ये लेके हमने शुरू किया तो फाइनल जो हमारा कंक्लूजन आया वो ये आया कि ए बी सी एपी में है, ठीक है. ये मेथड वन है. वॉट इज अनदर मेथड, गिवन ए बी सी आर इन एपी, तो अगर ए बी सी एपी में है तो आप नीचे का रिजल्ट प्रूव करो, ठीक है. तो हम कैसे शुरू करने वाले हैं, जैसे ये मान लो अगर एम सी क्यू क्वेश्चन है तो हमें तो पता ही नहीं होगा ना कौन सा रिजल्ट है, ठीक है. तो हम रिजल्ट लेके नहीं चल रहे, हम क्वेश्चन में से प्रूव करेंगे कैसे प्रूव करना है. इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट. देखो अगर मुझे पता है ए बी सी एपी में, तो हमेशा हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, या बी सी माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए. ये मेरा हमेशा सबसे पहला स्टेप होता है जब भी मुझे ये पता है कि ए बी सी मेरे एपी में. इज इट क्लियर? अब मैं क्या लिख सकता हूँ, सी माइनस बी है और मुझे ऑप्शंस में दिख रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग एंड स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग आई हैव टू मेक. इज इट क्लियर? कुछ स्क्वायर रूट में मुझे कन्वर्ट करना है, आई हैव टू कन्वर्ट समथिंग इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट. तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. कैसे, रूट ऑफ सी माइनस रूट ऑफ बी इंटू रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ बी, ये लिख सकता हूँ डेफिनेटली. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ बी माइनस रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ ए. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में. कैन वी डू दैट? नेक्स्ट, अब मैं क्या करने वाला हूँ बहुत ध्यान से देखना आप. अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, तो रूट ऑफ सी माइनस ऑफ रूट ऑफ बी अपॉन, क्योंकि देखो ये दिख रहे हैं ऐसा एक्सप्रेशन ऑप्शंस में होगा, तो ऑप्शंस जब हम करते हैं तो हम ऑप्शंस बनाने की कोशिश तो करते हैं ना कि हाँ ये ऑप्शन के फॉर्म में बनाऊँ. तो ऑप्शन में नीचे प्लस है, दिख रहा है, तो डेफिनेटली प्लस को नीचे ले जाऊँगा मैं. तो रूट सी माइनस रूट बी अपॉन रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ ए. सिमिलरली रूट ऑफ बी माइनस रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ बी. इज इट क्लियर? यस. नेक्स्ट, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो रूट सी माइनस रूट बी है,
तो रूट सी माइनस रूट बी को डेफिनेटली हम लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, डिनोमिनेटर के फॉर्म में। कैसे लिख सकता हूँ बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी माइनस रूट ऑफ ए। कैन आई डू दैट? सर आपने क्या किया, मैंने बेटा रूट ए ऐड कर दिया और रूट ए सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सर ये करने से हुआ क्या, ये करने से क्या हुआ देखो आप, रूट सी प्लस रूट ए बन गया और नीचे रूट ऑफ बी प्लस रूट ए बन गया। और यहाँ से अगर मैंने माइनस वन कॉमन निकाला तो ये माइनस कॉमन आउट हो जाएगा, रूट बी प्लस रूट ए बन जाएगा और वही डिनोमिनेटर में भी लिखा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कट आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ ए माइनस ऑफ वन। इज इट क्लियर? अब लेफ्ट हैंड साइड हुआ, यही स्टोरी राइट हैंड साइड करना है। तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ सी माइनस रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ सी, मतलब रूट सी ऐड रूट ऑफ सी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ बी। ये वाला कितना बन जाएगा, वन माइनस रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ ए, या रूट ए प्लस रूट सी बोलो आप, वन एंड द सेम थिंग, अपॉन रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ बी। इज इट क्लियर? अच्छा मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, सब मेरे साथी हैं, कहीं पे अटक तो नहीं गए थे हम लोग? वो लास्ट स्टेप से सर आपकी आवाज कट हो गई थी। अच्छा ये स्टेप समझ आ गया हमने क्या किया, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वापस से। वन को यहाँ ले गए इसके साथ और ये लेफ्ट वाले पार्ट को राइट हैंड साइड ले आए, ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी हैव डन, शिफ्टिंग कर दिया इसको, इधर शिफ्ट किया, ठीक है। तो अब ये वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। यस, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास अब क्या बन जाएगा, देखो अब आप क्या कर सकते हो, रूट सी प्लस रूट ए रूट सी प्लस रूट से न्यूमरेटर से कॉमन आउट निकाल सकते हो और वो फिर यहाँ नीचे चला जाएगा। तो ये बन जाएगा वन अपॉन रूट बी प्लस रूट ए वन अपॉन रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ बी इज इक्वल्स टू टू बाय रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ ए। इज इट क्लियर? तो अभी हमने पढ़ा था, अभी देखो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी पता है, टू टाइम्स द मिडिल मोस्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, वन ए वन प्लस ए थ्री इज टू ए टू, देन आई कैन से दैट ए वन ए टू एंड ए थ्री आर इन ए पी। तो बस यहीं से पहचानना है हमें, क्या पहचानेंगे हम, वन अपॉन रूट ऑफ बी प्लस रूट ऑफ ए वन अपॉन रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ ए वन अपॉन रूट ऑफ सी प्लस रूट ऑफ बी, दीज आर इन ए पी। Is it clear? सर वो root a और root b subtract किया वहाँ से एक बार फिर से समझाना। अब बस तुम कब आए क्लास में? कब का था सर मैं? सच बताओ, झूठ मत बोलो। नहीं नहीं सर, कब का था? मैं 5-10 मिनट लेट आया था। मेरे हृदय की कसम, सच बताओ कब आए तुम? अरे झूठ बोलेगा सर, ऐसा मत करो। ठीक है चलो, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, रूट ऑफ ए, देखो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं बेटा, ताकि हम डिनोमिनेटर ऊपर बना सके, डिनोमिनेटर रूट बी प्लस रूट ए है, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ रूट ए और प्लस ऑफ रूट ए हमने यहाँ पे बना दिया, ताकि रूट बी माइनस रूट ए में से एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो रूट बी प्लस रूट ए कट जाएगा। सेम हमने यहाँ पे भी ऐसा किया, हमने क्या किया, रूट सी सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या बन गया, रूट सी प्लस रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट ए माइनस वन, और ये बन जाएगा वन माइनस रूट सी प्लस रूट ए अपॉन रूट सी प्लस रूट बी, ठीक है। फिर वन को एक साइड ले गए और वेरिएबल को एक साइड ले आए, तो रूट सी प्लस रूट ए न्यूमरेटर में से कॉमन निकल रहा था, उसको निकाल के यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो पूरा क्वेश्चन अगर आपको दिखाऊंगा मैं, तो आई थिंक आइडेंटिफाई कर लोगे अब आप, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर। ठीक है अब बस, चलिए नोट कर लो इसको, देन विल गो विद वर्ड प्रॉब्लम्स और चैप्टर को आज कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद, किससे शुरू करें? एपी के डिस्कशन से। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम लोग एपी के डिस्कशन से शुरू करेंगे, तो आप लोग एपी का सॉल्विंग कंप्लीट कर लेना, ठीक है।
अब नेक्स्ट वीक में एक क्लास लगाऊंगा, वो भी काफी लेट, ठीक है ना? तो आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ एटलीस्ट वन वीक टू सॉल्व, ठीक है ना? तीन क्लास होंगे आपके, तो नेक्स्ट वीक एक क्लास आराम से पढ़ो, ठीक है ना? या ज्यादा क्लास लगाया जाए मेरा तो सोचना है, डिस्कशन जल्दी जल्दी करके अपन सिलेबस कंप्लीट कर देना यार एक बार को, फिर प्रैक्टिस करेंगे ना। और इस बार तो लगा दो सर एक क्लास, और सर डिस्कशन करने के लिए सबका कंप्लीट होना जरूरी है ना? मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अभी से डिस्कशन जो मैं लगाऊंगा ना आपका, वो डिस्कशन अलग लगाऊंगा, रेगुलर क्लास में डिस्कशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं पूरा, तो जो जितना सॉल्व कर लेगा वो डिस्कशन अटेंड करेगा, जो नहीं कर पा रहा है कंप्लीट वो डिस्कशन अटेंड नहीं करेगा, ऐसा रखते हैं सर, ठीक है ना? नहीं सर, फिर ज्यादा क्लासेस नहीं हो जाएगी मैथ्स की? चलेगा, थोड़ी मेहनत करूंगा मैं, कोई इशू नहीं है सर, हम हमारी बात कर रहे हैं। चलो लेकिन आ जाओ, चलो फटाफट आ जाओ, कोई बात नहीं, मुझ पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा आएगा, बर्डन ज्यादा आएगा, मैं मैनेज कर लूंगा तुम लोग के लिए, आई कैन मैनेज सर, ऐसा हूं मैं आपको सर, बट वी कांट मैनेज फॉर यू ना, यू कैन मैनेज फॉर अस बट वी सर, हम आपको दुख में नहीं देख सकते, उल्टा लगा दूंगा तुमको, आई कांट मैनेज यू कांट मैनेज वाली, चुप करके पढ़ाई करो, अभी तुम 10th में हो, 12th वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुम 10th वाले चुनो मुनो, चलो जल्दी जल्दी फटाफट, अभी तो हमें सीखना है बेटा, हमारा टारगेट कुछ और है, तुम लोग इतने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई में ऐसे घबरा जाओगे तो कैसे चलेगा, मैं तुम्हारा पोस्टर देख पा रहा हूँ स्टेशन के बाहर। अब्बास हाँ सर बोलिए, बोलिए क्या बोल दिया, तुम्हारा पोस्टर लगाना है कि नहीं स्टेशन के बाहर, एकदम बड़ा वाला ब्रिज के ऊपर? नहीं सर, बड़े सपने नहीं है। ऐसे कोई सपने नहीं है तुम्हारे, चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट, अभी वर्ड प्रॉब्लम से शुरू करें सर। वर्ड प्रॉब्लम्स बोर्ड्स में तो नहीं आएंगे ना? क्या आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, एपी के हैं वर्ड प्रॉब्लम्स? नहीं मतलब थोड़े बहुत कट कर दिए हैं शायद। अरे इस बार तो नया खेल डाल दिया आप लोगों के अंदर, पता चला कि नहीं? मैंने बताया तो था आपको, बताया था सर, उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, इतने जबरदस्त क्वेश्चन मैंने उसके निकाल के रखे हैं सर। क्या एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना? एप्लीकेशन ठीक है, ऐसे जबरदस्त प्रॉब्लम आप लोगों के लिए मैंने ढूंढ लिए हैं, ठीक है ना? बिल्कुल तैयार हो जाओगे तुम लोग बोर्ड के लिए, ठीक है? खुश हो जाओगे, एकदम खुश, किसी के पास ऐसे प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है अवेलेबल, सिर्फ एक्सक्लूसिव तुम लोगों को मिलेंगे, ठीक है ना? सही है, इसमें भी था, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, सब प्रॉब्लम्स को जो भी है उनको लास्ट में डिस्कस करेंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हर चैप्टर का एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम मैं निकाल के लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है ना? चलो आ जाओ वर्ड प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन। देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, अ मैन इज एम्प्लॉयड टू काउंट, अ मैन is employed to count rupees 10,710. He counts at the rate of rupees 180 per minute for half an hour. He counts at the rate of rupees 180 per minute for half an hour. After this he counts at the rate of rupees 3 less every minute than the preceding minute
in the preceding minute. Find the time taken by him to count the entire amount. Find the time taken by him to count. Find the time taken by him to count the entire amount. अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये है एपी का डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में, ठीक है। एप्लीकेशन क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे आपको एक स्टेडियम दे दिया, सर्कुलर स्टेडियम है, ठीक है, उसका सर्कमफेरेंस बढ़ता है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस, ठीक है, और वो रेडियस पे प्रोपोर्शनल डायरेक्ट होता है, तो जैसे जैसे रेडियस से हम दूर जाएंगे जो सरकमफेरेंस होगा वो एपी में इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा सरकमफेरेंस इंक्रीज हुआ, मतलब जो सीटें होती हैं ना, सीट्स होती है, वो ज़्यादा होती जाएंगी सीट्स सर्कुलर स्टेडियम की, ठीक है ना, तो इसके ऊपर एपी का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट देख लो इसको, चलिए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अरे सर एक दो मिनट से, दो मिनट करो, फिर मैं तो करो। घंटा में गिन लेगा, भेज दो आयुष के आंसर आ रहे हैं। चलिए जिन बच्चों को अभी तक कोई आइडिया नहीं है कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हैं उनके लिए आई विल स्टार्ट। देखो कैसे करने वाले हैं क्वेश्चन को। अ मैन इज एम्प्लॉयड टू काउंट 10,710 रुपीस, ही काउंट्स रुपीस 180 पर मिनट, तो 180 रुपीस वो काउंट करता है एक मिनट में, और ये कब तक काउंट करने वाला है, हाफ एन आवर तक करने वाला है, तो 30 मिनट्स में कितना काउंट हो जाएगा इसके पास, 180 इंटू 30, सो कैन आई से दैट 5400 रुपीस काउंट कर लेगा वो, यस, तो 5400 रुपीस उसने काउंट कर लिया है 30 मिनट तक। अब जो 31st मिनट होगा तो इसको भूल जाओ आप, 30 मिनट तक जो आपने काउंट कर लिया बहुत अच्छा, अब उसने क्या बोला, फॉर एन हाफ एन आवर, अब जैसे 31 के आगे के मिनट में वो काउंट करना शुरू करेगा, आफ्टर दिस ही काउंट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 3 लेस एवरी मिनट, तो जो पहले मिनट का काउंटिंग होगा वो 177 होगा आफ्टर 31st मिनट, उसके बाद में कितना करेगा 174 सेकेंड मिनट में, उसके बाद 171 करेगा थर्ड मिनट में, तो ऐसे चलता हुआ जाएगा, ओके। तो इनका क्या करना है, 177 रुपीज उसने काउंट कर लिया, फिर 174 रुपीज काउंट किया, ऐसे करते हुए जाना है
मान लो nth मिनट तक वो काउंट करेगा, क्यों nth मिनट तक सर काउंट करेगा, क्योंकि nth मिनट तक काउंट करते करते उसके पैसे पूरे काउंट हो जाएंगे ना। अब nth मिनट पे कितने काउंट करने पड़ेंगे हमें वो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है, वो मान लेते हैं tn, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल जो ये पैसे काउंट कर रहा है, ये टोटल तो 10,710 रुपए थे, जिसमें से 5,400 वो कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुका है, तो उसमें से माइनस कर लेते हैं, हो जाएगा 10,710 माइनस 5,400, ठीक है, तो 10,710 माइनस 5,400 आपका आंसर आ जाएगा 5,310 रुपए, तो इसको 5,310 रुपीस काउंट करने हैं, ठीक है, तो पहले मिनट में जितना काउंट किया, दूसरे में किया, इन सबको ऐड करूंगा, फाइनल सम 5,310 आना चाहिए। तो मैंने क्या बोल दिया, लेट्स से SN मुझे पता है, SN इज नथिंग बट 5,310 एंड लेट्स से N मिनट्स उसको लगता है ये पूरा काउंटिंग करने में, तो क्या हो जाएगा N बाई 2 फर्स्ट टर्म 2A प्लस N माइनस 1D, लेट मी रीराइट इट, ये हो जाएगा N बाई 2, 2 टाइम्स A इज नथिंग बट 2 टाइम्स 177 प्लस N माइनस 1 इंटू D, D कितना है माइनस 3, ये कितना आ जाएगा 5,310 हो जाएगा, इज इट क्लियर। नेक्स्ट अभी हम क्या बोल रहे हैं, ये कितना हो जाएगा n, अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, देखो n बाई 2 यहाँ रखा, ये कितना हो जाएगा 177 इंटू 2 हो जाएगा 354 माइनस 3n प्लस 3, ये हो जाएगा 5,310। तो हमें क्या पता चला, 354 प्लस 3 हो गया आपके पास, तो ये हो जाएगा 357, 3, 5 और 7, ठीक है, माइनस ऑफ 3n इंटू n, और ये हो जाएगा 5,310 इंटू 2, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लो, या अगर आप ऑब्जर्व करो, देखो कुछ इसमें 3 का मल्टीपल है क्या, हाँ ये 3 का मल्टीपल है, ये वाली साइड में और ये वाली साइड में भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 357 डिवाइड बाई अगर मैं 3 करता हूँ तो ये आ जाएगा 119 माइनस n इंटू n, 3 कॉमन निकाला बेटा, और 531 में से निकाल लिया 3, ये कितना हो जाएगा 177 इंटू 10 इंटू 2, अब एक 3 निकाला आपने बाहर, तो ये 3 से 3 कट गया आपका, अब बच गया 119 माइनस n इंटू n इज इक्वल टू 2 इंटू 177 इंटू 10। अच्छा अब मुझे बताओ 177 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, अब करूँगा क्या, प्राइम फैक्टराइज करना शुरू करता हूँ, तो आ जाएगा 2 इंटू 177, अच्छा 177 को प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ दिस वुड बी हाँ ये हो जाएगा मेरे लिए 59 इंटू 3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 119 माइनस n इंटू n। देखो बेटा क्वाड्रेटिक की तरह इसको सॉल्व हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि टर्म्स बड़ी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रोडक्ट और ये निकालना थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो अब इसको कैसे कर रहा हूँ मैं, 3 2 6 6 2 10 60, तो 59 इंटू 60 इज इक्वल टू n इंटू 119 माइनस n, तो क्या आप मुझे बता सकते हो n का वैल्यू क्या रहा होगा, n का दो वैल्यू आ जाएगा, या तो 59 आ जाए या तो n का वैल्यू 60 आ जाए, एग्रीड, सही है, तो ऐसा क्यों हुआ, n का वैल्यू 59 और 60 दो आ गया, इसका मतलब ये है कि 59th मिनट पे जब वो काउंट करेगा ना बेटा 59th मिनट पे, तो उसके 3 ही रुपए वो काउंट कर पाएगा, और 60th मिनट पे जब वो काउंट करेगा ना तो 0 काउंट हो पाएगा, सही है। तो अगर मैं सम ऑफ 59 टर्म्स कर रहा हूँ ना, दैट इज कमिंग आउट टू बी सेम एज सम ऑफ द 60 टर्म्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज 60th मिनट पे तो काउंट ही नहीं हुआ, 0 काउंट हुआ, ठीक है, तो क्या मैं 60th मिनट लूंगा, नहीं लूंगा, उसमें तो काउंटिंग ही नहीं हुआ, 59 पे मेरा काउंटिंग खत्म हो चुका है, इज इट क्लियर, तो मैं बोल सकता हूँ 60 इज नॉट अ वैलिड सोल्यूशन, सो 59th मिनट पे मेरा पैसा पूरा कैलकुलेट हो गया है, ओके, तो 30 मिनट्स पहले लगा, 59 मिनट्स अभी लगा, सो टोटल 89 मिनट्स लगा टू कैलकुलेट द मनी, इज इट क्लियर, सारे बच्चों को समझ आ गया हमने क्या किया है, yes, किसी को भी डाउट, yes, कोई डाउट है क्या,
किसी को कोई डाउट नहीं ना, चले आगे. लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन बेटा. नोट कर लो सारे के सारे बच्चे. आई थिंक काफ़ी धीरे धीरे ही चल रहे हैं हम. सबने नोट भी कर लिया होगा. आप चाहो तो 59th और 60th टर्म भी निकाल सकते हो इस एपी का. एंड यू विल कम टू नो दैट 59th टर्म 3 के बराबर है और 60th टर्म 0 के बराबर है. अच्छा, बहुत बार आपके आंसर्स क्या आ सकते हैं पता है? बहुत बार आपके आंसर्स आ जाएंगे लेट्स से 14 और 22. दो आंसर्स आएंगे तो दोनों आपको चेक करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है 22nd टर्म नेगेटिव टर्म हो जाएगा. ठीक है ना? विच इज़ नॉट पॉसिबल इफ अ क्वेश्चन इज काउंटिंग एप्पल्स एंड इफ अ क्वेश्चन इज काउंटिंग बनानास. सो नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल. इज इट क्लियर? ठीक है ना? तो आप दोनों आंसर्स को चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे क्या ये सोल्यूशन फीजिबल है, क्या ये सोल्यूशन का होना जरूरी है बेस्ड ऑन द गिवन कंस्ट्रेंट्स. सो विल डू मोर क्वेश्चंस. लेट्स सी. लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर्स अपार्ट. अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर्स अपार्ट. Next, the rungs decrease uniformly in length. The rungs decrease uniformly in length. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom. From 45 centimeter. At the bottom, from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top, to 25 centimeter at the top. If the top and bottom rungs are, if the top and bottom. Rungs are, if the top and bottom rungs are 2.5 meters apart, 5 meters apart, what is the length of the wood required for the rungs? What is the length of wood required for rungs? ठीक है. अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर्स अपार्ट. द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप. इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर्स अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स. मतलब एक लैडर है आपके पास, ठीक है ना? कुछ ऐसा लैडर है बोल रहा है वो. ऐसा एक लैडर है आपके पास, ठीक है, जिसके रंग्स, रंग्स मतलब जहाँ पे स्टेप करते हैं हम लोग, इनके बीच में जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर की है. रंग्स आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट. द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ. ये रंग्स जो है ये यूनिफॉर्मली लेंथ में डिक्रीज हो जाते हैं. रंग्स क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं लेंथ में, ठीक है. फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम, जो बॉटम मोस्ट है उसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है ना, टू द 25 सेंटीमीटर द टॉप. तो जो टॉप वाला रंग है वो 25 सेंटीमीटर का है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है ना? ये मान लेते 25 सेंटीमीटर का है टॉप वाला. नेक्स्ट उसने क्या बोला है? इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर्स अपार्ट, मतलब जो ये टॉप वाली है और जो बॉटम वाली है इसके बीच में 2.5 मीटर्स का गैप है. What is the length of wood required? The total length of the wood rungs कितना होगा आपको बताना है. I think question is very much understood. Yes, sir. चलिए give a try.
तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये ध्यान देना है कि 25 का गैप है, फिर 25 का गैप है, तो ऐसे कितने गैप्स आएंगे 2.5 मीटर्स के अंदर? 10 गैप आ जाएंगे, मतलब 10 गैप्स, यस और नो? यस सर। यस सर। और अगर 10 गैप्स आ गए तो फर्स्ट टर्म के बाद एक गैप मतलब सेकंड टर्म, दो गैप मतलब थर्ड टर्म, तो 10 गैप मतलब 11th टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म अगर 45 सेंटीमीटर है, 11th टर्म अगर 25 सेंटीमीटर है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि ये एपी का कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा? यस डेफिनेटली। तो 11th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 10D। तो ये ए कितना, ए है आपके पास 45, 45 प्लस 10D इज इक्वल टू 25। तो आप बता दोगे कि 10D इज इक्वल्स टू 25 माइनस 45 विच इज माइनस 20, डी का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा। अब डी का वैल्यू अगर माइनस 2 आ जाएगा, मतलब माइनस 2 से लेंथ घट रही है, तो पहला 45 है तो दूसरा 43 है, फिर तीसरा 41 है, फिर तीसरा 39 है, ऐसे करके घट रहा है। अब इसने क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड, तो वुड की क्या लेंथ रिक्वायर्ड है आपको बोल रहा है, तो लेंथ ऑफ वुड इज 45 प्लस 43 प्लस 41 प्लस 25, कितने टर्म्स हो जाएंगे, इनका सम निकालना है। यू नो द नंबर ऑफ टर्म्स, देयर आर 11 नंबर ऑफ टर्म्स, सो सम ऑफ एन टर्म्स वुड बी एन बाई टू, 25 प्लस 45, सो आई थिंक 35 इंटू 11 आ जाएगा, विच इज 385 मीटर्स ऑफ द लेंथ ऑफ वुड रग इज रिक्वायर्ड, वुड रंग, ठीक है ना, वुड फॉर रंग्स, आई थिंक इज क्लियर। यस यस सर। यस सर। इजी क्वेश्चन था, लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। सेंटीमीटर आएगी ना यूनिट, जो इसने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आएगा बता। यस डेफिनेटली, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे भी ये लेंथ सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है ना, 385 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वुड विल रिक्वायर्ड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 150 वर्कर्स, लिखो 150 वर्कर्स आर एंगेज्ड to finish a piece of work in certain number of days, to finish a piece of work, 150 workers are engaged to finish a piece of work in a certain number of days, in a certain number of days, in a certain number of days, 4 workers dropped in the second day, 4 workers dropped in, 4 workers dropped in the second day, 4 workers dropped in the second day, 4 more workers dropped the third day, 3rd day and so on. Now it takes 8 more days to finish the work. Now it takes 8 more days to finish the work. Now find the number of days in which the work was completed. वर्कर्स को काम करने के लिए लगाया गया था, एक पीस ऑफ वर्क फिनिश करना था उनको, 4 वर्कर पहले दिन, 4 वर्कर्स ड्रॉप द सेकंड डे, 4 वर्कर सेकंड डे छोड़ के चले गए, 4 और थर्ड डे छोड़ के चले गए, ऐसे लोग छोड़ छोड़ के चलते जाने गए, है ना, चले जा रहे थे आपके, लेकिन इसमें हुआ क्या, आप एक चीज ध्यान रखना,
वर्कर्स पहले दिन 150 थे, फिर 146 थे, 142 थे, ऐसे वर्कर्स कम होते गए, लेकिन 142 वर्कर्स आ रहे थे और काम करके जा रहे थे. तो कहीं ना कहीं 4-4 के मल्टीपल में जब वर्कर्स कम हो रहे थे तो कोई ना कोई दिन मान लेते 72 वर्कर्स थे, अभी काम कंप्लीट हो गया, हो सकता है ना. तो हमें यही निकालना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ है. हमें ये दिया हुआ है कि 8 दिन ज़्यादा लगे नॉर्मल के कंपैरिजन में काम कंप्लीट करने के लिए. चलिए देखें कैसे करेंगे इसको. सर 2 मिनट. चलिए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. आ जाएं. बस 2 मिनट सर, 2 मिनट शुरू करते हैं और क्लास वैसे नहीं तो खत्म हो जाएगा. बस आंसर तो आ चुका है मेरे पास, आंसर आ चुके हैं. अच्छा आयुष ठीक है सर, क्या ठीक है भाई. आयुष ने नहीं भेजा ना, बोलो ना सबको मैं. कर दो सर, चलो चलिए लेट्स सी कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. हाउ वी विल बी स्टार्टिंग द क्वेश्चन. 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क. अब देखो मान लेते हैं हर एक वर्कर की कैपेसिटी जो है काम करने की, ठीक है, उसको मान लेते हैं उसकी कैपेसिटी है कि वो शुरुआत हम ऐसे करते हैं. देखो टोटल वर्क कितना है हमारे पास. लेट्स से टोटल वर्क इज एक्स. टोटल मेरे पास एक्स काम है करने के लिए, ठीक है. अब टोटल काम एक्स करने के लिए है, ठीक है. देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा मैं आपको. टोटल वर्क को अगर हम एक्स नहीं भी मानते, मान लो हमारे पास टोटल एक काम है करने के लिए. अब 150 लोग काम कर रहे हैं, एक दिन में 150 लोगों ने काम किया,
और अगर यही लोगों ने एन डेज तक काम किया तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो टोटल काम हुआ होगा वो हुआ होगा 150 इंटू एन विल बी द टोटल वर्क डन। ठीक है भाई, आप ऐसे सोचो ना, एक इंसान काम कर रहा है, दो इंसान काम कर रहे हैं, तीन इंसान काम कर रहे हैं, तो ऐसे 150 इंसान एक दिन में काम कर रहे हैं। अभी 150 इंसान दूसरे दिन भी काम करेंगे तो टोटल 300 इंसानों ने एक दिन में काम किया, वही हम मान सकते हैं। यस भाई, 150 इंसान दो दिन काम करे या 300 इंसान एक दिन काम करे, बात तो सेम ही है ना, नंबर ऑफ मैन पावर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर 150 इंसानों ने एन दिन में काम किया है तो 150 इनटू एन टोटल वर्क डन हुआ होगा। यस सर। अब यही टोटल वर्क को मुझे इक्वेट करना है किसके साथ, बहुत ध्यान से समझना। अब टोटल वर्क जो मैं दूसरे तरीके से निकाल रहा हूँ वो कैसे निकाल रहा हूँ, पहले दिन 150 लोगों ने काम किया, दूसरे दिन 146 लोगों ने काम किया, तीसरे दिन 142 लोगों ने काम किया और ये चलता हुआ गया। लास्ट दिन पे कितने लोग थे हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि जो नंबर ऑफ डेज लगे वो 8 ज़्यादा लगे। तो मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी द मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर एन प्लस 8 डेज। यस, और यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो 150 इनटू एन का कॉन्सेप्ट क्या है, 150 प्लस 150 प्लस 150 एंड इट गोज ऑन, इज इट क्लियर? दिस इज फॉर एन डेज, तो ये होता है 150 इनटू एन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों सीरीज में जो सम होगा वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि काम तो बराबर है भाई। मैं 10-10 लोगों से 5 दिन काम कराऊँ तो 50 हो गया, या 5-5 लोगों से 10 दिन काम कराऊँ तो भी 50 हो गया, काम तो कंप्लीट 50 के साथ ही होगा ना, 50 लोगों को काम करना पड़ेगा भाई। अब 10-10 लोग 5 दिन काम करें या 5-5 लोग 10 दिन काम करें, या 50 ही एक दिन में आके करके चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इट क्लियर? तो अब इन दोनों सीरीज का सम इक्वेट कर देते हैं, एन की वैल्यू निकल आएगी। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 150 into n is equal to what is this AP का sum of n terms? n plus, अच्छा देखो अब या तो आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस n plus 8 की जगह पे मैं ले लेता हूँ कैपिटल n days। तो अगर यहाँ पे 8 दिन ज्यादा लगे तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 8 दिन कम लगे होंगे, क्योंकि जब फॉर्मूला लिखना पड़ता है ना तो उसमें एन इन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी लिखना पड़ता है, तो फिर एन प्लस एट को यूज़ करूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, काम थोड़ा बढ़ जाएगा, बट आंसर तो उधर से भी वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 150 इंटू एन माइनस एट इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए 150 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, व्हाट्स द कॉमन डिफरेंस, 4 लोग घट रहे हैं माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 300 इंटू, अच्छा ये हो जाएगा 300 इंटू एन माइनस एट इज इक्वल टू एन ओवर योर, इट इज 300 माइनस ऑफ 4n प्लस 4, ये बन जाएगा 300 इंटू एन माइनस 300 इंटू एट इज इक्वल टू 300 एंड 4, कितना हो जाएगा 304n। अच्छा क्या मैं इसको उसी तरीके से करूँ क्या जैसे इससे पहले वाले को किया था, विदाउट यूजिंग क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल ना करे बिना, सो लेट्स डू इट, 300 इंटू एन माइनस एट इज इक्वल्स टू 304 माइनस ऑफ 4n इंटू एन। बेटा आप चाहो ओपन करो, क्वाड्रेटिक की तरह करो, n की वैल्यू निकल आएगी, या मेरी तरह आलसी बन जाओ आप, ठीक है ना, तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 4 कॉमन निकालने पे यहाँ पे 76 माइनस एन बचेगा, और यहाँ पे एन आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एन माइनस एट इंटू वी विल बी हैविंग सेवन, यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉमन अगर निकाला तो 300 बाई 4 हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी 75। ओके आई थिंक क्लियर है यहाँ तक सबको, सही है? हाँ सर। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया यहाँ पे ना, ओके तो माइनस ऑफ 4n प्लस 4, तो ये हो जाएगा 304 माइनस 4n और ये 300n के बराबर आ गया। ठीक है ठीक है। अच्छा अब अगर यहाँ से हम इनको कंपेयर करें तो एक्चुअली क्वेश्चन काफ़ी आसानी हो गया, तो खोल ही देंगे तो भी काम हो जाएगा, 76n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 75n माइनस 8 इंटू 75। तो बेटा अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, एन स्क्वायर माइनस 76 प्लस 75, तो माइनस एन
माइनस 8 इंटू 75 इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, यहाँ से मुझे पता चल गया कि हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस, अच्छा 8 इंटू 75 को क्या लिख सकते हो आप, 24 इंटू 25 लिख सकते हैं. यस सर. मास्टर तो हो तुम लोग यार, बिल्कुल जबरदस्त. इज इक्वल टू जीरो, तो ये अगर n कॉमन निकाल लिया तो n माइनस 25 प्लस 24 इंटू एन माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो. तो n का वैल्यू या तो 25 आ जाए या माइनस 24 आ जाए. इजी. तो माइनस 24 तो नहीं चलेगा, नेगेटिव तो नंबर ऑफ डेज हो नहीं सकता. तो 25 डेज में कंस्ट्रक्शन अभी हो जाएगा, या जो काम इसका है वो कंप्लीट हो जाएगा, पहले 17 दिन में होने वाला था. तो नोट डाउन कर लो इसको, यहीं पे हम आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 2-3 और क्वेश्चन करेंगे. पोटेटो रेस वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टोन्स वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे फेमस फेमस जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर हमारी क्लास को हम कंक्लूड करेंगे. ठीक है. Yes. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. बाय बाय. टेक केयर बेटा. बाय सर. बाय.